सारे लोगों ने माशाल्लाह वीडियो देख के खुद ही से ही एक वेबसाइट छोटी सी बना ली है, और जिन्होंने नहीं भी कंप्लीट की है उन्होंने एटलीस्ट कोशिश की है, और वो उनको पता है कि वो एक्चुअली किस तरह से बनेगी। तो मैं यहाँ पर शुरू से दोबारा से पढ़ा रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें। तो आप लोगों ने क्या करना है, दिस इज़ एक्चुअली क्वेश्चन आंसर सेशन ना, तो मैं जिस तरह करता जाऊँगा उसको सीक्वेंस में, तो आपको जिस पॉइंट पर भी कन्फ्यूजन आई है, जाहिर है हर किसी को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आई होगी, तो वो मुझसे आप फ़ौरन फ़ौरन सवाल पूछते जाएंगे, ठीक है ना। तो योर क्वेश्चन विल ड्राइव दिस क्लास, क्योंकि ये एक्चुअल में मैं पढ़ा तो रहा हूँ शुरू से दोबारा, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली अ क्वेश्चन आंसर सेशन ना। तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव। अच्छा मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे वी एस कोड ओपन करता हूँ। अच्छा वी एस कोड में कौन सा वाला ओपन कर लेता हूँ मैं, जो एक मैंने बनाई थी ना क्लास, ठीक है जी, पेशावर चैटबॉट सेक्शन बी, ये वाला फोल्डर मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा इसको मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ पहले, और टर्मिनल में मैं लिखता हूँ कोड स्पेस डॉट, ठीक है जी। तो ये मैंने कौन सा वाला फोल्डर खोल लिया है, जो मैंने लास्ट से भी लास्ट क्लास में एक फोल्डर बनाया था, और उसके एक रिपोजिटरी बनाई थी गिटहब में, उसको मैंने क्लोन किया था, उसके अंदर एक छोटी सी फाइल बनाई थी और उसको वापस गिटहब में पुश किया था, तो ये वही वाला फोल्डर है, ठीक है ना। अच्छा इसका मतलब है कि मैं इस फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस करूँगा अगर, और कंट्रोल एस दबा के सेव करूँगा, और मैं इसको वापस पुश करूँगा अगर, ठीक है, गिट एड डॉट गिट कमिट माइनस एम और समथिंग और गिट पुश, है ना। अगर इसके अंदर मैं कोई भी चेंजेस करके ये तीन कमांड चलाता हूँ पुश करने वाली, तो क्या होगा। अच्छा वो कमिट करते हुए मेरा ना स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, कमिट भी दोबारा कर दिया और पुश भी दोबारा कर दिया। तो जैसे ही मैं ये तीनों कमांड चलाऊंगा पुश वाली, तो क्या होगा कि ये तमाम की तमाम चेंजेस गिटहब डॉट कॉम पर जाकर मुझे नज़र आ जाएंगी, ठीक है। गिटहब डॉट कॉम पर चल के देखते हैं कि ये पहुंच गई है कि नहीं पहुंच गई, ठीक है जी। यहाँ पे ये पहुँच गई है अपडेट, यहाँ पे ये अपडेट मेरे पास आ चुकी है, ठीक है जी, मुझे ये अपडेट नज़र आ रही है यहाँ पर। अच्छा तो आज की क्लास में अब हमने क्या करना है कि एक ये टेक्स्ट फाइल तो हमने बना ली थी ना पहले ही, अच्छा लेकिन हम तो असल में तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे हम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो टेक्स्ट फाइल तो नहीं बनाया करेंगे ना हम, HTML की फाइल बनाएंगे हम, CSS की, JavaScript की फाइल बनाए, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, HTML की फाइल बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसको मैं क्या कर देता हूँ, इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया शॉर्टकट के जरिए किया, आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक मैं नई फाइल बना लेता हूँ, नई फाइल बनाने के लिए ये बटन दबाया मैंने और नई फाइल बनाई, इस नई फाइल का नाम मैंने इंडेक्स डॉट HTML रख दिया, ठीक है। अच्छा ये याद रखें, इस फाइल का नाम इंडेक्स डॉट HTML ही होना चाहिए, अदरवाइज़ जब इसको आप कहीं भी होस्ट करेंगे, जब इंटरनेट पे आप इसको लाइव करने की कोशिश करेंगे, तो अगर इस फाइल का नाम कुछ और हुआ ना, चेंज हुआ फाइल का नाम, तो वो होस्टिंग सही तरह काम नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा इसका नाम क्या होना चाहिए, इंडेक्स सारा का सारा स्मॉल में जी, नहीं उसका नाम फिर कुछ और होगा। असल में एक कन्वेंशन है कि पहली फाइल का नाम इंडेक्स होना चाहिए, जैसे कि कोई भी बुक आप खोलते हैं तो पहले पेज का नाम इंडेक्स होता है, ठीक है, तो ये वही वाला इंडेक्स काइंड ऑफ होता है कि जी पहले पेज का नाम आप क्या रखते हैं, इंडेक्स रखते हैं। अच्छा इसका नाम सारा का सारा स्मॉल में होना चाहिए, इंडेक्स डॉट HTML पूरा स्मॉल में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अगर आपने आई कैपिटल कर दिया या इसका कोई भी वर्ड कैपिटल भी कर दिया अगर, तो आपके लिए मसला हो जाएगा फिर ना, ठीक है, वो काम नहीं करेगा ठीक तरह से। अच्छा ये HTML बनाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सक्लेमिनेशन मार्क लिखूँगा, ठीक है। एक्सक्लेमिनेशन मार्क जो है वो क्या है, आपके कीबोर्ड पर जो वन का बटन है उसको अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो ये एक्सक्लेमिनेशन मार्क आ जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये एक्सक्लेमिनेशन मार्क लगाया, नीचे सजेशन आ रही है, सजेशन के ऊपर मैंने टैब या इंटर का बटन दबा दिया, ठीक है, टैब भी दबा सकता हूँ और इंटर भी दबा सकता हूँ। टैब कहाँ पर है, आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक के ऊपर टैब होता है, तो मैं टैब दबाऊंगा या इंटर दबाऊंगा तो ये छोटा सा एक बॉयलर प्लेट कोड मुझे बना कर दे देगा, ठीक है। अच्छा तो ये छोटा सा जो बॉयलर प्लेट कोड है, ये जो मुझे सजेशन दी इसने, ये किसने दी है मुझे, ये VS कोड के एडिटर ने मुझे ये सजेशन दी है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर ऐसे करता हूँ ना तो ये नीचे सजेशन आ रही है, तो ये VS कोड मुझे सजेशन दे रहा है, ये HTML से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपके पास VS कोड है तो आपके पास भी आना चाहिए, ठीक
ठीक है, और अगर आपके पास कोई दूसरा एडिटर है तो आपके पास इस तरह की सजेशन हो सकता है ना आए आपके पास, ठीक है जी। अच्छा ये मैंने बना लिया जी, इसके अंदर एक बॉडी करके चीज़ है, ये मेरे पास ना एक छोटा सा HTML का क्या बन गया, डॉक्यूमेंट बन गया, जो कि एक वेबसाइट भी जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, ये HTML की एक वेबसाइट बन गई छोटी सी। अच्छा तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने लिख देना है जी हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने। अच्छा उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको चला कर देखना है कि ये दिखती कैसे है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो फाइल का नाम है मेरे index.html, इधर मैं राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी पाथ, ठीक है, कॉपी पाथ करूँगा मैं इसका, और कॉपी पाथ करने के बाद मैं जाऊँगा किसी वेब ब्राउज़र में, ठीक है, गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज या फायरफॉक्स, जो भी आपके पास अवेलेबल है। रेकमेंडेड वैसे गूगल क्रोम है, सारे डेवलपर्स जो हैं वो गूगल क्रोम को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एडवांस ब्राउज़र इस वक्त गूगल क्रोम है, जो कि तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म पर चलता है, ठीक है। ये मतलब कुछ ब्राउज़र हैं जो इससे ज़्यादा एडवांस है, लेकिन वो चलते नहीं है सब तमाम प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। गूगल क्रोम ऐसा है कि विंडोज़, लिनक्स और मैक तीनों पे चलता है, और सबसे एडवांस ब्राउज़र है इस कैटेगरी का। अच्छा तो यहाँ पे URL में आके मैंने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है ऐसे। तो आज हमने ये देखा कि पाकिस्तान का टोटल डेप्थ है 124 बिलियन, और इंडिया ने जो है 178 बिलियन IT में एक्सपोर्ट कर दिए। बंद कर देते हैं इस टैब को और वापस इधर आ जाते हैं। अच्छा हाँ नहीं देखें, दिल जलेगा तो काम होगा ना, जो कहते हैं कि अगर कोई बंदा ख्वाब नहीं देखता तो उसके ख्वाब कैसे पूरे होंगे, तो ख्वाब पूरा होने के लिए ना पहले तो ख्वाब देखे तो सही बंदा। अगर ये आपको फिगर्स आज पता नहीं थे, राइट, आपको ये फिगर्स पता नहीं थे ना, ये मैंने बता दिया आपको आज, तो अब आपका दिल जलेगा तो आप कुछ काम करेंगे ना, वरना कैसे होगा फिर, तो ये पता होना ज़रूरी है। अच्छा तो मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और इस हेलो वर्ल्ड को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे रन भी कर दिया, ठीक है। अच्छा जैसा कि हमें ये बात पता है कि HTML क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा मार्कअप का क्या मतलब है, जो भी काम हम मार्कर से करते हैं जर्नल में वो सारा मार्कअप होता है, ये हमें पता है। अच्छा लैंग्वेज, कंप्यूटर के लिए जो भी चीज़ें हम बनाते हैं लैंग्वेज कहलाती है, वो कंप्यूटर से बात करने के लिए, कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए, तो हम लैंग्वेज बनाते हैं, ठीक है। तो वो मार्कअप लैंग्वेज हो गया, कि जिससे क्या बना करेगा, वो जो जर्नल पे सारा काम हम मार्कअप से करते थे वो इससे बनेगा। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है कि इसमें लिखे हुए किसी भी टेक्स्ट को आप टच करेंगे तो वो शायद कुछ रिस्पॉन्स भी करने के काबिल, हम चाहें तो उसको बना सकते हैं। अच्छा तो अब सबसे पहला मार्कअप, इस मार्कअप लैंग्वेज का सबसे पहला मार्कअप मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये हेलो वर्ल्ड तो हमने किया, चला लिया, सबसे पहला मार्कअप हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेडिंग नंबर 1 H1। अच्छा ये कैसे लिखा मैंने, मैंने यहाँ पर लिखा H1, नीचे सजेशन आई, इसके ऊपर मैंने एंटर या टैब का बटन दबा दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, उसी टेक्स्ट के ऊपर रैप कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। आई एम गोइंग टू रैप दिस हेलो वर्ल्ड, जो ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था मैंने, इसको मैंने रैप कर दिया किसमें, अब H1 के मार्कअप के दरमियान में इसको मैंने रैप कर दिया, ठीक है ना। अच्छा जैसे ही ये इसको मैंने रैप किया ना H1 से, तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हेडिंग बन के नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा देख लेते हैं जी क्या होता है, यहाँ पर आता हूँ मैं, और यहाँ पर आकर मैंने हर दफ़ा कॉपी पाथ नहीं करना है, बल्कि मैंने क्या करना है, Ctrl+R दबाना है, रिफ्रेश हो गया ये, ठीक है, या फिर ये गोल वाला बटन है इसको भी दबा कर रिफ्रेश कर सकते हैं, इसको दबाऊंगा तो भी हो जाता है, ठीक है। ये मेरा पहला मार्कअप हो गया, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा पीछे लोग सब मुतवज्जा हैं इस तरफ, सब देख रहे हैं, समझ आ रहा है सब लोगों को, मसला तो नहीं है कोई। अच्छा जी आ जाए, अब दूसरा मार्कअप सीख लेते हैं। एक तो H1 हो गया, दूसरा मार्कअप H2, ठीक है। H2 के अंदर मैं लिख देता हूँ एक और हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे आके मैंने इस बटन को दबा के रिफ्रेश किया, रिफ्रेश हो गया, ठीक है, एक और हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, लेकिन अब की बार वो थोड़ी छोटी हेडिंग है। तो HTML के अंदर 6 लेवल की हेडिंग्स मौजूद हैं, H1 से लेके H6 तक 6 अलग अलग साइज़ की हेडिंग है। जो हेडिंग 6 है वो सबसे छोटी है, जो हेडिंग 1 है वो सबसे बड़ी है जी। अच्छा वो भी अभी सीख लेते हैं जल्दी से। अच्छा तो हम एक काम करते हैं, इसमें छोटी सी CV बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि जी ऊपर मैंने H1 में लिख दिया रिज्यूमे। अच्छा रिज्यूमे के अंदर सबसे पहली हेडिंग क्या होती है जी, ऑब्जेक्टिव होती है मोस्ट प्रॉब्ली,
ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के बाद मैंने अब क्या लिखना है, एक अदद पैराग्राफ लिखना है जो कि क्या होगा मेरा ऑब्जेक्टिव का टेक्स्ट होगा। ठीक है, पैराग्राफ के लिए पी का मार्कअप। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा पी और टैब और इसके दरमियान में मैं पैराग्राफ अपना लिखना शुरू करूँगा। अच्छा, पैराग्राफ मेरे पास लिखा हुआ तो नहीं है, मैं इंटरनेट से कहीं से उठा लाता हूँ। ठीक है, मैंने कहा जी iOS विकिपीडिया अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो ये iOS और ये iPhone OS ये दोनों बोल्ड हुआ हुआ है ना, तो हमने भी इसी तरह चलाना है। आ जाए पहले तो इस पैराग्राफ को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो इस पैराग्राफ को मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, इस पैराग्राफ को पेस्ट करने के बाद पहले देख लेते हैं कि अभी दिख रहा कैसा है। रिफ्रेश किया मैंने, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, ये मेरी रिज्यूमे थोड़ी थोड़ी अब बनना शुरू हो गई है ना, मेरी वेबसाइट जो है रिज्यूमे की, सीवी की वेबसाइट, ये थोड़ी थोड़ी अब बनना शुरू हो गई है। तो ऑब्जेक्टिव मैंने लिख दिया पहले यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद मैंने क्या करना है, इसको iOS वाले को बोल्ड करना है और इतने पार्ट को भी बोल्ड करना है। अच्छा, तो मैं इसको एक और मार्कअप में रैप कर दूंगा, दैट इज़ कॉल्ड बी। बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड। ठीक है, ये बी मैंने, ठीक है, तो इसको क्योंकि मैंने iOS को इसको मैंने रैप कर दिया है बोल्ड के मार्कअप में, तो ये अब मुझे बोल्ड होकर नज़र आना चाहिए। अगर देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ इसको मैं और यहाँ पर आता हूँ, तो देखो iOS जो है वो क्या हो चुका है, बोल्ड हो चुका है। ठीक है, इसी तरह इसके पड़ोस में जो ये iPhone OS है, इतने पार्ट को भी हम क्या कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है जी, इतने पार्ट को भी हम क्या कर देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश किया तो ये बोल्ड हो गया। ठीक है जी, अच्छा इसके अलावा इटैलिक करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इटैलिक के लिए भी एक मार्कअप मौजूद है। मिसाल के तौर पे ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिखा हुआ है, ठीक है, इतने पार्ट को मैं चाहता हूँ कि क्या हो जाए, ये इटैलिक हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आई। ठीक है जी, ठीक है जी, इस तरह से मैंने लिख दिया। यहाँ पे आई का टैग ओपन हुआ है और आई का टैग क्लोज हो गया है। ठीक है, और इसको मैंने आई के मार्कअप के अंदर पूरा का पूरा रैप कर दिया। आके देखते हैं अब क्या रिपोर्ट है। बिल्कुल कर सकते हैं, GitHub में पुश करने के बाद। हाँ, जब भी कोई एडिटिंग करेंगे तो पुश करने वाली तीनों कमांड आपने दोबारा चलानी है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो कितने मार्कअप अभी तक हमने पढ़ लिए हैं इसमें? एक हमने H1 पढ़ लिया, एक H2 पढ़ लिया, दो पैराग्राफ, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पांच अलग अलग हमने मार्कअप अभी तक इसमें लगा कर देख लिए। ठीक है, अच्छा, तो ये आसान बात है, समझ आ गया हमें। HTML के अंदर HTML इज़ नथिंग बट बंच ऑफ मार्कअप्स, बहुत सारे मार्कअप्स हैं। तमाम मार्कअप्स अगर आपने सीख लिए तो आपको HTML आ गई पूरी। ठीक है, जैसे आप जर्नल के ऊपर हेडिंग लगाते हो जी, हेडिंग लगाना आ गया, पैराग्राफ लिखना आ गया, बुलेट पॉइंट्स बनाना आ गया, डायग्राम बनाना आ गया, तो ये सारा जब आपको आ गया तो आपको पूरी HTML आ गई अब। ठीक है ना, अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे चलकर कोई ऐसी जगह तलाश करते हैं जहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल HTML मार्कअप्स हमें मिल जाए, जहाँ पे हमें तमाम HTML के मार्कअप्स नज़र आ जाएँ, तो वहाँ से देख के फिर हमें CV के अंदर मज़ीद जो जो चीज़ें चाहिए वो हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि लिस्ट ऑफ HTML एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा, आप नोट करें, मैंने लिस्ट ऑफ HTML मार्कअप्स नहीं लिखा, मैंने लिस्ट ऑफ HTML एलिमेंट्स लिखा है। ठीक है, ये एलिमेंट क्या चीज़ होता है, असल में मार्कअप तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, और असल में कहते भी इसको मार्कअप है, लेकिन मार्कअप जो है ना इज़ मोर ऑफ अ जनरल वर्ड ना, टेक्निकल वर्ड नहीं है ये। ठीक है, इस पूरे को मिलाकर क्या कहते हैं हम, एलिमेंट कहते हैं इसको, हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे H2 का एलिमेंट है ये। अच्छा, इतना पार्ट सिर्फ क्या है, H2 का टैग है ये, और इसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग, है ना। इतना पार्ट क्या है, ये क्लोजिंग टैग है, H2 का क्लोजिंग टैग है, और इसके दरमियान में जो चीज़ लिखी हुई है इसका कंटेंट है, और इस पूरे को मिलाकर HTML एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं मार्कअप बोलूँ तो मार्कअप से, तो मार्कअप नॉन टेक्निकल वर्ड है, जनरल लोगों के लिए। हम इसको जो बुक्स वगैरह होंगी, जो आर्टिकल्स होंगे, जो डॉक्यूमेंटेशंस होंगी डिफरेंट, उसमें आपको हमेशा एलिमेंट लिखा हुआ नज़र आएगा, मार्कअप नहीं लिखा जाता है इसको, एलिमेंट लिखा जाता है।
ठीक है, बावजूद इसके कि मार्कअप भी सही वर्ड है लेकिन वो नॉन टेक्निकल वर्ड है। तो हम तो सारे लोग टेक्निकल हैं माशाल्लाह, अभी हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने जा रहे हैं तो हमने आज से ही टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, लिस्ट ऑफ ऑल HTML मार्कअप्स एलिमेंट्स लिखा मैंने, तो मेरे पास सबसे पहला लिंक आ गया जी W3 स्कूल का, ठीक है, आप सबका जाना पहचाना W3 स्कूल। सब लोगों ने नाम सुना हुआ इसका, कोई ऐसा तो नहीं जिसने इसका नाम नहीं सुना है। ये एक छोटी सी वेबसाइट है जो आपको क्या करती है, HTML वगैरह लोग सीखते हैं यहाँ पर आके ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब आप आते हैं, ये मैं गलत आ गया हूँ शायद, बैक करता हूँ एक दफ़ा, इसके नीचे वाली, हाँ ये वाला है HTML रेफरेंस वाला है, ये वाला मैं गलत चला गया था, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखें HTML एलिमेंट रेफरेंस के अंदर, ये जो एक डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाया हुआ है, इसमें तमाम HTML के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें H1 से लेके H6 तक और पैराग्राफ और बोल्ड और इटैलिक, वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर लिखे हुए हैं उन्होंने। और ना सिर्फ लिखे हुए हैं बल्कि उसका एक एग्जांपल कोड भी दिया हुआ है हमें बना के। तो इसमें H1 को ज़रा कंट्रोल F करके H1 को निकालते हैं, ठीक है जी, ये आ गया H1 से H6 तक डिफाइंस HTML हेडिंग। अच्छा, इसको ओपन अगर मैं करूँ, इसको राइट क्लिक करके मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ, तो ये देखें आप, इन्होंने एग्जांपल भी बनाकर दी हुई है कि जी इस तरह से ये चलेगा, ठीक है। सवाल तो नहीं है यहाँ तक किसी का कोई? अच्छा, आसान है, मुश्किल तो नहीं है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको मुश्किल लग रहा है, कोई चीज़ समझ ना आई हो, मैं रिपीट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि ये आप सब लोगों ने बनाना है फिर ना, जो मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप देखेंगे यहाँ पे, बल्कि ये काम आपने खुद से अपने हाथ से करना है अपने अपने कंप्यूटर के ऊपर, और इसको अपने GitHub के अकाउंट पे आपने पुश भी करना है, उसके बगैर आपका असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अच्छा, ये आपको एग्जांपल बना के दे दी। अच्छा, आप ट्राई इट योरसेल्फ का बटन दबाएंगे तो ये आपको एक दूसरे पेज पे भी ले जाएगा, जहाँ पर यहाँ पे कोड होगा उसका सामने रिजल्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यार, ठीक है, दिस इज बिग हेडिंग, ठीक है, मैंने चेंजेस किए, और रन का बटन जैसे ही दबाता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट मेरे सामने आ जाता है ना। तो ये W3 स्कूल के अंदर इन्होंने ट्राई इट योरसेल्फ का एक सेक्शन इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, H1 हमने सीख लिया जी यहाँ पे। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास जो CV बन चुकी है अभी, वो इतनी बन गई है। अब मुझे अगली क्या चीज़ चाहिए CV में? ऑब्जेक्टिव लिख दिया, उसके बाद क्या लिखूँ? बायोडाटा नहीं, मेरा ख्याल है कि एजुकेशन शायद पहले लिख देंगे हम, बायोडाटा लास्ट में लिख देंगे। हाँ, वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन, ठीक है, आ जाते हैं जी। तो H2 लगाता हूँ मैं कहता हूँ कि जी एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। अभी देख लेते हैं, और बायोडाटा भी लिख देते हैं ना, ठीक है। तीन हेडिंग जो आप लोगों ने बताई, वो तीनों हेडिंग मैंने लिख दी। अच्छा, ये आ जाते हैं। अब मेरे पास मज़ीद हेडिंग्स आ चुकी हैं। एजुकेशन के अंदर मुझे क्या चाहिए अब? एक अदद क्या लगाऊँ मैं? पैराग्राफ लगाऊँ? टेबल लगाऊँगा मैं। एजुकेशन के अंदर मुझे एक अदद टेबल चाहिए होगी, तो टेबल को यहाँ से हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है जी। ये टेबल मैंने कंट्रोल F किया तो ये टेबल पे आ गया मैं। डिफाइंस अ टेबल। अच्छा, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप तमाम टैग्स को अलग अलग एक्सप्लोर करें एक एक करके, ठीक है ना, इस तरह भी कर सकते हैं आप चाहें तो। वेल, अगर आपने एक CV छोटी सी बना ली तो इस कोर्स के लिए हमें जितनी HTML चाहिए वो आपको उतनी काइंड ऑफ आ जाएगी आपको, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा वो हम प्लेन HTML से नहीं बना सकते ना, उसको हम फिर JavaScript का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो चीज़ें हम इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे क्योंकि चैटबॉट का कोर्स है, वो आमतौर पे वेब डेवलपमेंट के जो कोर्स में ना वो चीज़ें कवर की जाती हैं, ठीक है। देर आर लॉट मोर थिंग्स इन HTML दैट वी आर नॉट कवरिंग इन दिस क्लास, मतलब सिर्फ मार्कअप लगा देना इज़ अ बेसिक थिंग ना। HTML के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, डिटेल है, लेकिन वो हम यहाँ कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस कोर्स में उसकी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर प्योरली चैटबॉट पर फोकस करेंगे। अच्छा जी, तो इन्होंने बोला कि जी कुछ इस तरह से ये आपने लिखना है, और ट्राई इट योरसेल्फ का बटन जैसे ही मैं दबाता हूँ तो यहाँ पर ये कोड आ गया और उसके सामने इसका ये रिज़ल्ट आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेबल वाले पूरे कोड को यहाँ से
कट कर लेता हूँ और कट करके उसको मैं अपने इधर ले जाता हूँ, ठीक है। अच्छा ये टेबल आप इसको गौर से देखें, ये टेबल का टैग यहाँ से शुरू है और टेबल का टैग यहाँ से ख़त्म है, ठीक है। इसके अंदर जो ये टी आर है, इट मीन्स टेबल रो, इट मीन्स टेबल रो। अच्छा रो कौन सी होती है जो ऐसे यू सीधी होती है ना, लेफ़्ट टू राइट जो रो होती है सीधी, ठीक है। ये इसको हॉरिजॉन्टली जो चीज़ होती है टेबल में उसको हम रो कहते हैं, ठीक है। और जो ऊपर से नीचे होती है उसको कॉलम कहते हैं, तो राइट टू लेफ्ट उसको कॉलम रो कहते हैं। अच्छा तो दिस इज़ अ रो, ठीक है। तो एक्चुअली ये जिस तरह से डिस्प्ले हो रही होगी ना, मैं इसको वैसे कर देता हूँ, ठीक है। काइंड ऑफ ये इस तरह से डिस्प्ले हो रही होगी, क्योंकि ये रो है ना, तो इस तरह से डिस्प्ले हो रही होगी एक्चुअली, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये दूसरी रो है नीचे, दूसरी रो को भी मैं इस तरह से कर देता हूँ जिस तरह ये नज़र आनी है एक्चुअली, उस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। ये दूसरी रो आ गई, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कलर्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ऐड करेंगे। अच्छा तो ये टेबल का जो टैग है ना, यहाँ से टेबल शुरू है और यहाँ पे टेबल ख़त्म है, ये टी आर जो है इसकी ये पहली रो है, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से ही यहाँ पर बना दिया जिस तरह से इसने एक्चुअल में नज़र आना है। तो ये पहली रो है, पहली रो में क्या लिखा हुआ रहा है, मंथ और सेविंग, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या हमारे पास भी पहली रो पर इसी तरह दिख रहा है, ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है जी, इसी तरह से हो रहा है मंथ और सेविंग, पहली रो ठीक हो गई हमारी। अच्छा इस पर बॉर्डर नहीं आ रहा है, बॉर्डर के लिए मैं क्या करूँगा, इस पर बॉर्डर वन लगा दूंगा। अच्छा ये काम हम CSS से करते हैं, HTML से आमतौर पे नहीं करते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको HTML से कर लेते हैं, ये काम हम CSS से करते हैं। तो अब इस पर देखते हैं बॉर्डर आ गया कि नहीं आ गया, बॉर्डर आ गया, ठीक है ना। अच्छा ये बात भी उन्होंने वहाँ पे मेंशन की हुई है, W3 स्कूल पे जब आप जाएंगे ना, जो टेबल जहाँ पर बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर टेबल बताया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर नीचे इन्होंने कहीं ना कहीं ये बात मेंशन की होगी कि इस पर बॉर्डर भी क्या हो जाता है, लग जाता है। ये देखिए आप बॉर्डर इस तरह, हाँ, लेकिन ये बॉर्डर इन्होंने CSS के जरिए लगाया है, जो कि अच्छा तरीका है इसको लगाने का, ठीक है। ये सारे नीचे एग्जांपल्स इन्होंने बनाए हुए हैं ना, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स, सॉरी हाँ हाँ, टेबल ही हाथ से टाइप करके बनाया। देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, टेबल लिखता हूँ, टेबल आ गई, मैं TR लिखता हूँ, TR आ गया, ठीक है। उसके बाद TD लिखता हूँ, TD आ गया, जस्ट लाइक दैट। TR मतलब टेबल रो, ठीक है, जितनी रो चाहिए उतनी रो बना देंगे। मुझे मेरे ख्याल में अभी मुझे तीन रो चाहिए, तो मैंने तीन रो बना दी। अच्छा वेल मुझे तो इसमें मंथ है, सेविंग तो नहीं लिखनी ना, मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है कि भाई सबसे पहले तो डिग्री का नाम, सही है, उसके बाद सेकंड इंस्टीट्यूट, यस। अच्छा और अच्छा अब ये मुझे जो सेल है वो नए बनाने पड़ेंगे, तो मैं सेल ऐसे नया बना लेता हूँ। पहले तो दो ही सेल थे ना एक रो के अंदर, मैंने कहा एक रो में तीन सेल बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा सेल जो बना हुआ है इस पर क्या लिखा हुआ है, TH, यानी कि ये हेडिंग वाला सेल है, ठीक है, टेबल हेडिंग वाला सेल है ये। अच्छा यहाँ पे मैंने इंस्टीट्यूट के बाद क्या लिखना था, एयर लिखना था, यस, ठीक है। और ग्रेड भी तो चाहिए मुझे, ठीक है, ग्रेड भी चाहिए मुझे, ठीक है जी। तो मेरे पास अब एक ऐसी टेबल बन चुकी है जिसमें पहली रो के अंदर 1, 2, 3, 4 सेल मौजूद हैं। पहली रो के अंदर क्या मौजूद हैं, 4 सेल मौजूद हैं। आके देखते हैं हमारे पास क्या इसी तरह से दिख रहा है, ये रिफ्रेश किया, हाँ जी इस तरह से दिखने लग गया मुझे, ठीक है जी। अगली रो में क्या चाहिए मुझे अब अच्छा डिग्री का नाम मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया कि जी SSC, यही होता है ना, SSC होता है ना, अच्छा SSC लिख दिया मैंने। और इंस्टीट्यूट लिख दिया मैंने कि जी ABC इंस्टीट्यूट, ओके। ग्रेड कितने आए भाई, हाँ भाई कितने ग्रेड आए हैं, नहीं वो नाइन्थ ग्रेड वाला नहीं है, ABC ग्रेड कौन से आए, ए आया, अच्छा ए बना देते हैं, अच्छा। और कौन से ईयर में हुआ है ये,
2019 में हुआ है, ठीक है, 2019 में हुआ है जब ही ए ग्रेड आए। अच्छा, उसके बाद जी एसएससी के बाद, एसएससी के बाद क्या होता है जो, खैर मैंने तो डीएई किया तो मैं डीएई लिख देता हूँ, मुझे नहीं पता और क्या होता है। अच्छा, डीएई हो गया, ठीक है। डीएई 3 साल का होता है, बिल्कुल इंटर जैसा होता है, लेकिन उसके अंदर टेक्निकल होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ टेक्निकल कोर्स होता है ये। इंटरमीडिएट में तो ज़रा थ्योरी होती है ना, कुछ हाथ से करने नहीं देते, इसमें ज़रा कंप्यूटर साइंस में किया था मैंने ये, तो डीएई मैंने लिख दिया इसमें सीआईटी, ठीक है, डीएई कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। और मैंने जीसीटी कॉलेज, ठीक है, जीसीटी कॉलेज, अच्छा होता, लेकिन ये 3 साल का है तो 1 साल आपका एक्स्ट्रा लगता है। तो हुआ ये था कि मेरे सारे दोस्त ज़रा चले गए थे यूनिवर्सिटी में, और मैं कह रहा था यार मैं तो अभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि 3 साल का होता है, होता है इक्वेलेंट दो ही साल के, लेकिन लगते 3 साल हैं, और जो गधे बच्चे होते हैं ना मेरी तरह, वो पढ़ते हैं इसमें जाके। क्योंकि यार देखो आई एम वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स के ना, जब तक मुझे आप बताते रहो ना कि यार ये ऐसे होता है ऐसे होता है, जब तक मैं अपने हाथ से टच करके ना देखूँ ना, मुझे समझ नहीं आता। तो दैट्स वाई इसके अंदर चला गया था मैं। खैर, इसकी भी एक स्टोरी है, मेरे घर वाले मुझे एडमिशन करवाना था उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया मुझे। वो एक स्टोरी है, मैं अक्सर बताता हूँ, कभी आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको शायद पता लगे। तो मैं इत्तफाकन क्या, मुझे पता लग गया था कि, तो फिर मैंने जाके ना वो कंप्यूटर पर टिक लगा के दे दिया उनको, तो मेरा इसमें एडमिशन हो गया। लेकिन ये 3 साल का था तो थोड़ा सा लंबा है ये। अच्छा, ग्रेड मेरा इसमें जो है वो ए आया था माशाल्लाह, ठीक है जी। और इसमें मैंने टी एच क्यों लगा दिया, तो टी डी है ना, और लास्ट में मैंने कहा कि जी 2022 में, वैसे 2022 में तो नहीं किया था मैंने, तो 2013 में किया था, लेकिन अभी तो हम सीवी बना रहे हैं ना, 2019 के बाद 2022 से, चलो ठीक है, ये मैं हूँ भी नहीं वैसे, ये कोई और स्टूडेंट है, ये मैं किसी और स्टूडेंट की सीवी बना रहा हूँ। अच्छा जी, रिफ्रेश किया मैंने, तो ये हमारे पास तैयार हो गया हमारा डेटा, ठीक है जी। अब इसी तरह से आपको जितने भी रोज़ इसके अंदर चाहिए होंगी वो आप बनाते चले जाएंगे, तो ये आपका, ठीक है, मैंने मिसाल के तौर पर इस रो को एक और 3 कॉपी बना दी इस रो की, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेरे पास ये क्या हो गया, एजुकेशन बनकर आ गई, ठीक है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, इसमें आप नोट करें कि कुछ सेल ऐसे हैं जिसमें बोल्ड हुआ भाई, डिग्री वाला सेल है बोल्ड है, हालांकि ये वाला सेल बोल्ड नहीं है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप अगर यहाँ आएंगे तो पहली रो के अंदर ना ये जो बोल्ड वाला है वो टी एच करके सेल बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टेबल हेडिंग, और दूसरा वाला जो है जो बोल्ड नहीं है वो टी डी करके बना हुआ है, यानी कि टेबल डेटा, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो बोल्ड नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है जी। ये हमारा टेबल पहला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसी तरह से वर्क एक्सपीरियंस जो होता है उसमें भी आप क्या कर रहे होते हैं, एक अदद टेबल बना रहे होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है ना, जिसमें आप क्या करते हैं कि अभी, अच्छा इसमें हमने पहली रो में लिखा था डिग्री और इंस्टीट्यूट का नाम और ग्रेड वगैरह, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि डेजिग्नेशन क्या थी, है ना, कि यार आप टीचर थे या आप सेल्समैन थे, है ना, या आप सॉफ्टवेयर डेवलपर थे या चैटबॉट डेवलपर थे आप। तो इसमें मैं सबसे पहले लिखूंगा कि डेजिग्नेशन, ठीक है, डेजिग्नेशन के बाद जो जिस जगह काम करते थे, इदारे का नाम कैसे लिखेंगे उसको, ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक, ठीक है जी। डेजिग्नेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और फ्रॉम और टू होता है इसके अंदर, ठीक है, और फ्रॉम और टू, ठीक है, फ्रॉम मतलब कब से, कब ज्वाइन किया आपने और कब तक वहाँ रहे। तो मैंने कहा कि जी 2015 से लेके मैं 2018 तक यहाँ रहा, तो 3 साल हो गया टोटल। हाँ, एक में भी कर सकते, ड्यूरेशन कह सकते हैं उसको, हाँ, फ्रॉम डैश टू ड्यूरेशन, जस्ट लाइक दैट, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं,
ठीक है, और मैं लास्ट में एक एक और बात लिख देते हैं लास्ट में, और क्या लिखते हैं इसमें, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर हो गया ना, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दूं मैं, या एम्प्लॉयर का, जैसे मेरे केस में अभी यहाँ पे अगर इस SMIT में कोई जॉब कर रहा है तो उसका एम्प्लॉयर सैलानी है या ऑर्गेनाइजेशन सैलानी है, एक ही बात है एक्चुअली ना। अच्छा तो ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, एक और वर्क एक्सपीरियंस में मैंने एक और यहाँ पे हेडिंग ऐसे करके बना दी, ठीक है, ऐसे फ्रॉम टू डेजिग्नेशन ड्यूरेशन लिखा हुआ है, ठीक है, या सिर्फ फ्रॉम और टू भी लिख सकते हैं। अब नीचे वाले सेल को ज़रा सही ठीक कर लेते हैं, मैंने कहा कि जी सेल्स मैन, ठीक है, ABC कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है ये, ABC कंपनी लिख दिया मैंने। अच्छा उसके बाद फ्रॉम और टू पे मैंने लिख दिया कि जी फ्रॉम 2022 टू 2023, ठीक है, या 2022-2023 भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, मैंने कहा जनवरी 2022 से 23 तक, और ये लास्ट वाला जो है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, उसको मैंने हटा दिया। ओहो क्या हो रहा है, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या हो गया, अब ये पहली रो हमारी बिल्कुल सेट हो गई है। अब इसी रो को मैं डुप्लीकेट करके बाकी तीनों पे रख देता हूँ, जो कि बाद में आप चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली उसको। ठीक है जी, मैंने इसी को डुप्लीकेट कर दिया 3 दफ़ा। तो जी आपका क्या हो गया, एजुकेशन की हेडिंग कंप्लीट हो गई, वर्क एक्सपीरियंस की हेडिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब बायोडेटा में आ जाते हैं, बायोडेटा में आमतौर पर हम बुलेट पॉइंट्स में बता रहे होते हैं, राइट, बुलेट पॉइंट्स कैसे बनाते हैं ज़रा देख लेते हैं। अच्छा HTML के रेफरेंस में मैं जब जाकर लिखता हूँ, कंट्रोल F लिखता हूँ और बुलेट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, बुलेट की स्पेलिंग तो यही होती है, बट रिजल्ट में मुझे कुछ भी नहीं मिला, बुलेट पॉइंट्स जब मैंने लिखा तो मुझे कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। अब मैं कैसे करूँगा जी, टेबल बनाया तो क्या हुआ, आपसे नहीं हो रहा है वो। अच्छा नहीं तो अब वो W3 School से देख लेना कोड, W3 School पे जो ट्राई इट योर सेल्फ है ना, वहाँ से आप उस कोड को कॉपी करके अपने पास लाएं और उसमें चेंजेस कर लें, इस तरह कर लें। अच्छा तो बुलेट पॉइंट्स तो यहाँ शो नहीं हो रहा, अच्छा आप में से कुछ तो स्टूडेंट बड़े तेज़ हैं, उन्होंने फ़ौरन बता दिया कि UL लगेगा इसमें, लेकिन अब अगर किसी को नहीं पता लग रहा फिर, तो हम उसके लिए जाएंगे ChatGPT पे, ठीक है, क्या इसकी इसका URL क्या है, chat.openai.com, ठीक है, ये इसका URL है। आप सब लोगों को वैसे तो पता होगा ChatGPT से, सबने बात की हुई है ना यहाँ पर, ठीक है, बट अगर किसी ने नहीं भी की है तो आप यहाँ पे जाके फ्री अकाउंट बना के इससे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने सवाल क्या लिखना है जाके, हाउ टू मेक बुलेट पॉइंट इन HTML, है ना, एंटर। अब देखते हैं क्या जवाब देता है, इसने कहा कि जी आपके पास ना बुलेट पॉइंट बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, UL का मार्कअप इस्तेमाल होता है, UL का एलिमेंट इस्तेमाल होता है, तो अब मेरे लिए आसानी हो गई। अच्छा अब बस इसका काम खत्म हो गया, इसको बंद कर दिया मैंने, अब मैं यहाँ पे आके क्या कर लूँगा, UL, ओ क्या हुआ, Ctrl+F UL, ठीक है जी, तो मेरे पास UL में ना देखें ये रिजल्ट आना शुरू हो गया, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूँ ज़रा इसको मैं, ये आ गया जी मेरे पास, डिफाइंस एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे इसने क्या लिखा, Ctrl+F से फाइंड होता है ना, पेज में कोई भी चीज़ मुझे ढूंढनी है अगर, तो जैसे मिसाल के तौर पे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ग्रुप्स द हेडर, अब अगर मुझे ग्रुप्स लिख के, अब ये मैंने देखा था बट मेरे से मिस हो गया, ये इतना बड़ा पेज है, अब ये ग्रुप तो गुम हो गया, अब तो मुझे नहीं मिलेगा ये, तो मैं Ctrl+F करूँगा तो ये छोटा सा ऊपर बार बना हुआ आ जाता है सर्च का, राइट, और यहाँ पर मैं आगे लिखूँगा GROUPS ग्रुप्स, तो देखें ये फ़ौरन से आ गया है, अब ग्रुप्स करके 4 रिजल्ट आए, तो नेक्स्ट 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 करूँगा, ये देखें ग्रुप द हेडर आ गया है ना, तो जल्दी से मुझे मिल जाता है। तो फाइंड इन पेज एक्चुअली इसको हम कहते हैं, फाइंड इन पेज के लिए इस्तेमाल होता है Ctrl+F, ठीक है, मोबाइल फ़ोन में भी ऑप्शन आ रहा होता है, कंप्यूटर में Ctrl+F है, और मोबाइल फ़ोन में जब ब्राउज़र पे आप जाते हो ना तो वहाँ पे 3 डॉट के अंदर ऑप्शन आ रहे होते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ था फाइंड इन पेज, ठीक है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ,
मोबाइल पे जब आप इधर क्लिक करते हो ना, यहाँ पे जब क्लिक करते हो मोबाइल में, तो यहाँ पे आ रहा होता है फाइंड इन पेज, ये फाइंड फाइंड या फाइंड इन पेज इस तरह लिखा होता है। अच्छा जी, तो हमें पता लग गया कि यू एल से होता है, तो आते हैं जी कंट्रोल एफ करके यू एल ढूंढना मैंने, ये जल्दी से देखो मैं यू एल के पास पहुंच गया। इसको मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करके अंदर जाऊंगा, यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि इस तरह चलेगा, ट्राई इट योरसेल्फ करूंगा तो मुझे यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि इस तरह का कोड लिखने से इस तरह का रिजल्ट आता है। इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, या कॉपी ना भी करूँ अगर मैं वैसे ही यहाँ पर लिख लूँ यू एल, ठीक है, और उसके अंदर एल आई, ठीक है, एल आई में मैंने लिख दिया कि नेम सबसे पहले मलिक, और इस तरह मैंने क्या कर दिया 6-7 पॉइंट बना दिए। तो अब ये मेरे पास 6-7 पॉइंट स्क्रीन पर ऐसे दिख जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेम के अलावा मुझे क्या चाहिए, नेशनैलिटी वगैरह, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, इस तरह की सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है, ठीक है, नेशनैलिटी, सही है जी, पाकिस्तानी है ना सब यहाँ पे, अमेरिका जिंदाबाद तो नहीं कहता कोई, यहाँ आजकल कुछ बच्चे हो गए ऐसे अमेरिका वाले, कहते हैं हमें अमेरिका जाना है, अमेरिका जिंदाबाद वेल लेकिन वो जब अमेरिका पहुँचते हैं उनको पता लगता है कि यहाँ तो एक आम 3 पाउंड का है, 3 पाउंड पता है कितने होते हैं, पता नहीं 350 का चल रहा है पाउंड अभी, तो 373 का पाउंड है ना, हाँ नहीं लंदन जाएगा तो पाउंड में, और अमेरिका में भी पैसे तो वही हैं, पाउंड्स और डॉलर थोड़ा ही एक दूसरे के टक्कर में ही चलते हैं, तो हाँ नहीं तो अमेरिका में भी जब वो जाएगा ना तो उसको पता लगता है अच्छा $2,000 मुझे देने पड़ेंगे एक कमरे के अपार्टमेंट के, $2,000 एक कमरे के अपार्टमेंट के जब देने पड़ते हैं ना किराए की मद में, तो फिर पाकिस्तान बहुत याद आता है या 3 पाउंड का। असल में मैंने कल एक वीडियो देखी थी, टिकटॉक पे चल रहा था ना, तो वो एक लड़की की वीडियो देखी थी, उसने कहा यार 3 पाउंड का आम मुझे ख़रीदना पड़ा, दिल पे 2 उठाया था उसने, कह रहा मैंने एक वापस रखा है फिर, है ना, और आम भी वो उस तरह का नहीं होता यहाँ हमारा वाला, हमारा तो फ्रेश होता है ना बिल्कुल फ़ौरन आता है, तो यार उस फ्रेश आम की बात और होती है, तो वहाँ तो जो पहुँचता है फिर वो किस तरह का आम पहुँचता है आप समझ सकते हैं, तो बड़ा मसला है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आइडियल जो आपके लिए हो सकता है ना अगर कुछ, वो ये हो सकता है कि आप रहें पाकिस्तान में और अर्निंग आपकी डॉलर्स के अंदर हो, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। पाकिस्तान के अंदर अगर आपके पैसा है तो आप सेफ भी हैं और कोई मसले नहीं है, ठीक है, गरीब बंदे के लिए सारे मसले होते हैं। अच्छा, क्या कर देते हैं हम यहाँ पे, नेशनैलिटी हमने पाकिस्तानी लिख दी जी, पाकिस्तान जिंदाबाद कर दिया हमने, अब और क्या लिखते हैं, क्या लिखें, CNIC लिख देते हैं, ठीक है, CNIC में मैंने लिखा जी 42401-123456-7-7, ठीक है, ये मैंने एक इमेजिनरी CNIC नंबर लिख दिया। आप सब लोग अगर अपना रियल डेटा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, फ़ोन नंबर वगैरह चाहें तो आप रियल लिख सकते हैं, ईमेल अगर कि मे बी उस वीडियो में अगर, या आप लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करेंगे तो वहाँ से कोई देख के आपसे कॉन्टैक्ट, वैसे तो लिंक्डइन के ऊपर आपके इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो जैसे आपका दिल करें। अच्छा जी, CNIC के बाद क्या लिख लिया जाए, बड़ा मुश्किल काम है CV बनाना यार, असल में सोचना पड़ रहा है ना कि लिखें क्या इसमें, इमेजिनरी डेटा लिखना है तो इमेजिन करने में ज़रा टाइम लग रहा है, हाँ एड्रेस, ठीक है, मैंने कहा कि जी 23rd Street न्यूयॉर्क मैनहट्टन, सही है, मैनहट्टन लिख दिया बस मैंने, हाँ ईमेल में लिख देता हूँ यहाँ पे, ईमेल यस user@abc.com, ठीक है, ये मैंने ईमेल लिख दिया, और लास्ट एक चीज़ अब हमें लिखनी है, उसके बाद हम इसको कंप्लीट करते हैं। एक चीज़ और बताओ कोई बायोडाटा में क्या लिखा जाए, फ़ोन नंबर यस, कॉन्टैक्ट, ठीक है, 123456-7, ठीक है जी, बल्कि इसमें मैं तो अपना रियल वाला लिख देता हूँ ना, मेरा तो वैसे भी नंबर पब्लिक है, ठीक है, ये मैंने अपना रियल वाला लिख दिया, ये मेरा वैसे भी पब्लिक है नंबर, फेसबुक वगैरह पे सब जगह लगा हुआ है। अच्छा जी, तो ये हमने क्या बना लिया, हमारा बायोडाटा वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी, ये आपकी CV बन के तैयार हो गई। अच्छा, अब सारे मार्कअप तो मैंने यहाँ पर कवर नहीं किए हैं,
अगर आप चाहें कि और मार्कअप आपने कैसे कवर करना है, जैसे आपको अब देखना है कि जी इसमें इमेज कैसे लगेगी, है ना, फोटो इसमें कैसे लगेगी, तो आपको कैसे पता लगेगा, आप दोबारा जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर और आप उससे पूछेंगे कि हाउ टू ऐड इमेज इन HTML. सही है कि इमेज कैसे लगती है, इसने बता दिया कि जी IMG का टैग है, इसने बता दिया कि जी IMG का टैग है और लेट्स ब्रेक इट डाउन, ये भी बता दिया इसने. अच्छा, अब इसकी एक अच्छी बात आपको मैं बताता हूँ. इसकी अच्छी बात ये है कि मैं उसको बोलूँगा कि भाई टेल मी इन उर्दू लैंग्वेज, ये इंग्लिश में इसने बोला ना कि लेट्स ब्रेक इट डाउन, तो मुझे क्या पता. तो इसने आपको किस में लिख के दिया है, रोमन उर्दू में लिख के दिया है, ठीक है ना. HTML में तस्वीर शामिल करने के लिए IMG एलिमेंट का इस्तेमाल होता है, ठीक है. अच्छा, पश्तो में भी शायद लिख दे. पश्तो लैंग्वेज लिख तो दिया है इसने, लेकिन क्या लिखा है ज़रा करीब से देख लेते हैं. ये शुरू कहाँ से और ख़त्म कहाँ से, इस तरफ से शुरू है. अच्छा, ये वाला पढ़ते हैं ना, चार पॉइंट पढ़ते हैं. सही लिखा है इसने, सही लिखा है, बस देखें. और क्या चाहिए अब. हाँ, ये सारी सारी सब आती है उसको, फ्रेंच फ्रेंच जर्मन पंजाबी सब आती है उसको, है ना. तो आपने इससे ये पूछना है कि जी कैसे लगेगी इमेज, और आपने उसको कोशिश करना है कि आप लगा दें, ठीक है ना. तो अब और आपके पास कोई भी एरर आता है, कोई भी एरर आता है, आप उस एरर को कॉपी करें, कॉपी करके और ले जाके यहाँ पेस्ट करें, और आप इससे नीचे उर्दू में लिखें कि ये मिसाल के तौर पे मैं गिट में पुश कर रही हूँ तो ये मुझे एरर देता है, और इस एरर का मुझे आप जवाब दो, उर्दू में दो जवाब या पश्तो में दो, वो आपको जवाब देगा, ठीक है ना. तो अब आपके पास क्या आ गया, गूगल नहीं करना. अब आपने गूगल तो करना है, आपने ऑब्वियसली जिस चीज़ को गूगल करना है, जैसे आप github.com में जाना चाह रहे हैं तो पहले गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, वो तो नो प्रॉब्लम. लेकिन सवाल जवाब में ना ये गूगल से 100 गुना ज़्यादा तेज़ है, सवाल जवाब में इससे आगे कोई भी नहीं है अभी, चैट जीपीटी से आगे, ठीक है ना. तो आपने अब इसको इस्तेमाल करने की आदत डालनी है. अच्छा, इसको इस्तेमाल करने की आदत क्यों डालनी है, क्योंकि आप ख़ुद ये चैट बॉट ऐसा बनाना सीखेंगे और इसी चैट बॉट की प्रोग्रामिंग सीखेंगे आप. यानी इस चैट जीपीटी को हम ऐसा बना देंगे कि ये हमारी मर्ज़ी की बात करेगा, है ना. इस चैट जीपीटी को हम सिखा देंगे एक हेयर ड्रेसर के दुकान के बारे में, हर चीज़ समझा देंगे उसको कि यार इसकी टाइमिंग ये है, पैसे इतने लेता है, ये इतने इतने कटिंग करता है, और फिर जब इससे पूछेंगे ना, ये हेयर ड्रेसर की दुकान की बात करेगा, कोई और बात नहीं करेगा. तो हम इस तरह की प्रोग्रामिंग हम सीखने जा रहे हैं चैट जीपीटी की. तो आपने क्या करना है, पहले इसको इस्तेमाल तो करें, पता तो लगे आपको ये है कितना कैपेबल, तो फिर इसकी प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो अच्छा लगेगा ना. तो इसको अभी से इस्तेमाल करने की आदत डालें, ठीक है. तो मैंने क्या कर लिया, ये अपनी मैंने एक वेबसाइट छोटी सी बना ली है. अब मुझे क्या करना है, ये जो रिज्यूमे लिखा था ना मैंने और ये ऑब्जेक्टिव लिखा था, इसके दरमियान में मुझे अपनी एक फ़ोटो लगानी है. तो फोटो लगाने के लिए जो मैंने चैट जीपीटी से पूछा है ना, चैट जीपीटी से जो मैंने पूछा था, सबसे पहला जो जवाब इसने दिया था है ना, हाउ टू ऐड इमेज इन HTML, तो सबसे पहला जो जवाब दिया था, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है. कॉपी किया मैंने इसको यहाँ से और अपने कोड में कहाँ पे लाके पेस्ट किया मैंने, रिज्यूमे के और ऑब्जेक्टिव के दरमियान में, यहाँ पे मुझे इस अपनी इमेज को लगाना है, ठीक है. अच्छा, इमेज का जो सोर्स है, इसने तो कुछ और सोर्स दिया हुआ है, यानी कि इमेज का नाम जो दिया हुआ है कुछ और दिया हुआ है, मैंने ये इमेज नहीं लगानी. मैंने कौन सी इमेज लगानी है, मेरे कंप्यूटर में मौजूद है वो इमेज, वो मैंने लगानी है. उठा के आ जाते हैं जी कंप्यूटर में, मेरे पास इमेज कहाँ पर है, डाउनलोड्स के फोल्डर में होगी मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है जी. ये मेरे पास एक फोल्डर में इमेज पड़ी हुई है. अच्छा, इस इमेज को मैं पहले ड्रैग करके या कॉपी करके मैं उस फोल्डर में लाऊंगा जहाँ पे मेरा इंडेक्स डॉट HTML का पेज है, ठीक है. इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा ऐसे, और यहाँ इंडेक्स डॉट HTML वाले पेज पे इसको लेकर आऊँगा मैं. याद रखें, अगर जब भी आप इमेज लगाएंगे तो इस फोल्डर के अंदर आपकी इमेज होना ज़रूरी है. अगर आपकी इमेज कहीं डी ड्राइव में पड़ी हुई है, आपने उसका पाथ लगा दिया, वो होस्टिंग पे फेल हो जाएगा, हो
हो सकता है फौरी तौर पर चल जाए, होस्टिंग में वो काम नहीं करेगा। तो मैंने इसको यहाँ पे ला के रखा। अच्छा, और आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए कि यहाँ पे एक IMG के नाम से एक फोल्डर हो और ये इमेज उस फोल्डर के अंदर हो, ताकि इमेजेस तो एक तो नहीं होती ना, 3, 4, 5, 6 बहुत सारी इमेजेस होती हैं। तो मैंने इसको इमेज के फोल्डर के अंदर डाल दिया। ठीक है, वापस मैं अपने कोड में जाता हूँ। जो इमेज है ना, जो भी इमेज आपने अपने वेबसाइट पर लगानी है, सबसे पहली बात तो ये कि वो इमेज आपकी वेबसाइट वाले फोल्डर में होनी चाहिए। ठीक है, ये कहीं और नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ताकि जब इसको मैं पुश करूँ ना गिटहब में, तो ये इमेज भी साथ पुश हो। तो जब ही ना रिपोजिटरी के फोल्डर के अंदर होगी तो जब ही तो साथ पुश होगी वो, वरना अगर बाहर होगी फिर तो नहीं जाएगी। तो github.com पे ये साथ जाए। ठीक है, दूसरा ये कि यहाँ पर टाइम ख़त्म हो गया क्या? अच्छा, यहाँ पर मैंने इमेज को एक फोल्डर के अंदर उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। अभी तो मेरे पास एक ही इमेज है, एक ही फ़ोटो है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर मेरे पास 4, 5, 6, 10, 12 फ़ोटोज़ हों, क्योंकि वेबसाइट में फ़ोटोज़ बहुत सारी होती हैं। तो उसको मैंने IMG के एक फ़ोल्डर के अंदर डाल दिया है, ताकि ये ऑर्गेनाइज रहे यहाँ पे ना, फोल्डर के अंदर क्लीन रहे मेरा फोल्डर। अदरवाइज़ क्या होगा, आप सोचें 200 इमेज लगातार यहाँ पर हों और उसके बीच में कहीं मेरा एक इंडेक्स आ रहा हो, तो मुझे तो इंडेक्स ढूंढने में मिलेगा ही नहीं फिर वो, है ना। तो क्लीन रखने के लिए, टू कीप इट क्लीन, आई एम ऑर्गेनाइजिंग इट इन अ फोल्डर कॉल्ड IMG। अच्छा, ये मैंने काम कर दिया। अब देखें, गौर से देखें, लास्ट चीज़ कर रहे हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं क्लास को। इमेज है, इसके SRC में गया मैं, ./ लिखा, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, ये आ गया मेरा। इस तरह के पाथ को हम कहते हैं रिलेटिव पाथ। ठीक है, रिलेटिव पाथ का मतलब है, देखें ./ का मतलब है कि इस फोल्डर में, ./ का मतलब है इस फोल्डर में। अच्छा, इस फोल्डर में कहाँ जाओ, इमेज के फोल्डर में, और उसके बाद download.jpg के फाइल के अंदर जाओ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया। अच्छा, इसको सेव किया, सेव करके इसको मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरी इमेज यहाँ आ गई। अच्छा, ये बड़ी इमेज दिख रही है, इसको मुझे थोड़ा छोटा करना है, तो मैं यहाँ पे आके क्या बोलूँगा, विड्थ 100 पिक्सल। ठीक है जी, थोड़ी छोटी हो गई पिक्चर, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा लिया, इमेज लगा लिया। अब मैंने क्या करना है, इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को मैंने वापस github.com पे पुश करना है। कैसे करूँगा मैं, टर्मिनल पे जाऊँगा। अच्छा, टर्मिनल पे जाने के लिए VS कोड में एक शॉर्टकट मेरे पास मौजूद है। ठीक है, मैं दबाऊंगा Ctrl+Backtick। ठीक है, Backtick आपके कीबोर्ड में 1 के बटन के पड़ोस में, जो अलिफ मद्दा जिस पे बना है वो Backtick है। तो Ctrl+ ये Backtick दबाएंगे तो ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट टू मेक इट क्लीन ना, वरना वो पहले से मैस हुआ हुआ था वहाँ पर। यहाँ पे मैं तीनों कमांड लिखूंगा, git add dot, ठीक है, git commit -m और my CV करके मैंने मैसेज लिख दिया, और git push, ये पुश हो गया github.com पे। अब मैंने अगला काम क्या करना है, मैं github.com पे जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं क्या देखूँगा कि यहाँ पर ये क्या हुआ है। अच्छा, वो माई फाइल, हाँ, ये मेरे पास क्या आ गई है जी, एक इंडेक्स की फाइल आ गई है मेरे पास, क्या आ गई है, इंडेक्स की, index.html की फाइल आ गई। इसको खोल के देखता हूँ, इसमें पूरा का पूरा HTML का कोड मेरे पास आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जाना है मेरी रिपोजिटरी की सेटिंग में। ठीक है, यहाँ पे 2-3 सेटिंग आ रही है ना, एक तो इस अकाउंट के अंदर होती है सेटिंग, इसमें नहीं जाना आपने, ये रिपोजिटरी के अंदर आपको सेटिंग आ रही है। इसमें सेटिंग में गए, सेटिंग में जाकर पेजेस के अंदर गए, अब ये पेजेस लिखा हुआ है यहाँ, इसके अंदर गए, यहाँ पे जाकर ये ब्रांच में जो नन लिखा हुआ है इसको चेंज किया आपने, इसको मेन कर दिया आपने, और सेव का बटन दबाया। ठीक है, सेव का बटन दबाने के बाद 2 से 4 सेकंड या 5 सेकंड बाद आप जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको URL मिल जाएगा अपनी वेबसाइट का। तो हम ज़रा जल्दी से रिफ्रेश करते जाते हैं इसको, जैसे ही वो URL मिलेगा फिर हमने उसको ओपन करके देखना है और फिर हम ख़त्म करते हैं। अच्छा, इसकी अगर मुझे प्रोग्रेस देखनी है ना, तो मैं एक्शन के अंदर जाके देख सकता हूँ। एक्शन में जाऊँगा ना तो ये घूम रहा होता है, ये देखा गोल घूम रहा है ये, इस पर जैसे ग्रीन टिक लगेगा तो मेरा काम कंप्लीट हो चुका होगा एक्चुअली ना, तो उस पर ग्रीन टिक लगने का वेट कर लेते हैं आई थिंक। अच्छा जी, ग्रीन टिक लग चुका है, वापस सेटिंग में चलता हूँ मैं, सेटिंग में जाके वापस मैं पेजेस में जाता हूँ, तो यहाँ पे ये URL मेरे पास क्या हो चुका है, आ चुका है। विजिट साइट का बटन दबाता हूँ तो ये वेबसाइट एक नए टैब में ओपन हो जाती है। इस टैब के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, जल्दी से ओपन हो जाइए ज़रा, ताकि हम कंप्लीट करें फिर।
अच्छा जी ठीक है जी, ये ओपन हो गई मेरी वेबसाइट। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरा काम तो कंप्लीट हो गया लेकिन मैंने इसको यहाँ पर छोड़ना नहीं है। मैंने इस URL को यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके मैं इसको कहाँ लगाने जा रहा हूँ, मैं अपने रिपॉजिटरी के मेन पेज में ये जो अबाउट लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पर मैंने इसको स्पेसिफाई करना है। ये छोटा सा गेयर का आइकन दबाऊँगा मैं, यहाँ पर जो ये वेबसाइट लिखी हुई आ रही है इसके ऊपर पेस्ट करूँगा और इसको मैं सेव कर दूँगा। उससे क्या होगा कि ये URL यहाँ पर अपेयर हो जाएगा, ताकि जब भी कोई मेरी रिपॉजिटरी में आए तो ना सिर्फ वो मेरा कोड देख सके बल्कि होस्टेड वेबसाइट को भी खोलकर वेबसाइट को अपने सामने देख सके। ठीक है जी, तो ये असाइनमेंट एज इट इज़ आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह से बनाना है। कुछ लोगों ने तो माशाल्लाह पहले ही बना लिया है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं बनाया उन्होंने ये असाइनमेंट बनाना है। और जब आपका ये असाइनमेंट कम्प्लीट हो जाए, ठीक है, यहाँ इतना काम हो जाए जितना मैंने कर दिया है, इसके अपने एक शॉर्ट वीडियो बनानी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, आपने github.com पे ये रिपॉजिटरी खोल के और रिपॉजिटरी दिखाना है, और जल्दी से लिंक पे क्लिक करके उसको ओपन करना है। आपकी जो वीडियो है वो 10 सेकंड से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और उसको आपने linkedin.com पे पोस्ट करना है, और वहाँ पे लिखना है कि जी मैंने एक पहली वेबसाइट बना ली है, और जी मैं सैलानी में पढ़ रही हूँ, उस तरह जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, ताकि आपकी प्रोग्रेस वहाँ पर नज़र आए, जो भी आप लोग वहाँ पर आपको फॉलो करेंगे उनको पता लगे कि आपने वेबसाइट बनाने के कोर्स में एडमिशन ले लिया है आपने। ठीक है ना, तो आपने वहाँ पे कंटिन्यूसली हम जितने भी असाइनमेंट आप बनाएंगे, आपने github.com पे पुश करना है, उसको होस्ट करना है, और उसको लिंक्डइन के ऊपर लोगों से शेयर करना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में।